तो चलिए फ्रेंड्स, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इस सर्दी में कुछ गरम गरम बना के खाते हैं। तो हम झटपट से बनाते हैं पोहा कटलेट, वो भी घर में रखे हुए सामानों से। तो चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए झटपट से बनाते हैं पोहा का टेस्टी क्रिस्पी कटलेट। यहाँ पे हमने एक कटोरी ले लिया है पोहा। इसको हम दो तीन पानी से अच्छे से धो के जाली में ही रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। इसको हम वॉश कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने 5-6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको हम कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह जाएं। अपने आलू में मिला देंगे अपना पोहा, इसी में डालेंगे थोड़ा सा हम दो तीन हरी मिर्ची कट कर ली हमने बारीक बारीक, तीखा अपने हिसाब से आप डालें। और आधा हमने प्याज ले लिया है, एक छोटे साइज का प्याज कट कर लिया है, और खूब सारा हरा धनिया। इसी में डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा साबुत, और इसको चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को हम खूब बढ़िया से कर देंगे मिक्स। तो इसके लिए पहले अपने हाथों को अच्छे से धुल लें और पोंछ लें। तो इसको हम खूब बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डो बढ़िया से लग गया। इसमें से हम थोड़ा सा डो निकालेंगे। हाथों हमने अपने थोड़ा सा ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब आपको जो शेप पसंद हो उस शेप के आप कटलेट बना लें। तो ये देखिए मैंने ऐसे एक बना लिया है, और एक हम बनाएंगे ऐसे टिक्की जैसा। तो आप इसको भी ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घुमाएं। ये देखिए कितनी आसानी से कटलेट बनके तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे अपने हम बाकी सारे कटलेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच ले लेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पतला सा घोल बना लेंगे। तो ये हमने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है। अब अपना एक ऐसे कटलेट लेंगे और इसको इसमें डीप करके हम डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे फ्राई। आप चाहे इसको डीप फ्राई कर सकते हैं या सेलो फ्राई कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे सेलो फ्राई। तो ये देखिए हमने इसको गरम हॉट तेल में डाला है। इसको सिर्फ हम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे, लेकिन तेल हमारा अच्छा खासा गरम है क्योंकि इसको हमें पकाना नहीं, क्योंकि सारा कुछ इसमें पका हुआ होता है। तो ये देखिए हमारे कटलेट एक साइड से 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसे केवल क्रिस्पी और गोल्डन करना है, क्योंकि इसमें सारा कुछ तो पहले से ही पका हुआ होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे ही अपने हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी क्रिस्पी कटलेट बनके हो गए तैयार। पोहा के देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हुए हैं, खा के मज़ा आने वाला है। तो एक बार बना के खाना तो बनता है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, सर्दी में तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो झटपट से बनाइए और गरम गरम खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।